तो साथियों अभी जिस वीडियो को आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो, इस वीडियो को दोस्तों सुहैल खान ने पीसी पर एडिट करके इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड किया है और उन्हीं के बगल में दोस्तों आप मेरा वीडियो आप देख सकते हो। मैंने इस वाले वीडियो को दोस्तों मोबाइल के जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइनमास्टर उसकी हेल्प से कुछ इस प्रकार का वीडियो बनाने का कोशिश किया है। तो आपको भी अगर दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स के लिए कुछ इस प्रकार का वीडियो एडिट करना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस तरह से कागज का जरूरत पड़ेगा और उस कागज को दोस्तों पकड़ के आपको यहाँ पे स्टेप वन पे कुछ इस प्रकार से चल के एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा और स्टेप टू में गाइस आपको कुछ भी नहीं पकड़ना है, ठीक है। बस आपको कुछ इस प्रकार से आपको वर्क कर लेनी होगी। इसके बाद आपका जो मोबाइल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइनमास्टर उसको आपको ओपन करना होगा। उसको ओपन करने से पहले वीडियो का लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का दोस्तों मैं लाइक एम रखता हूँ 1700 लाइक का। और आपको इसी तरह के वीडियो देखना है तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पे ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिलेगा। अब गाइस बिना किसी देरी के चलिए मोबाइल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर को ओपन कीजिए, मैं जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइनमास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से दोस्तों आपका जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको गाइस आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वाले वीडियो के ऑडियो को आपको यहाँ पे म्यूट कर लेनी होगी। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उसी वाले फाइल में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस प्रकार से 0.5 पे आप यहाँ पे कर दीजिएगा। कर देने के बाद आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। अब आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना है। जहाँ पर कागज को छोड़ रहे हो अपने हाथों से कुछ इस तरह से गाइस आप वहाँ पे इस जगह पे आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले फाइल में क्लिक करना होगा और बाकी का जो ये पार्ट है दोस्तों उसको आपको सीजर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से गाइस आपका जो सेकेंड स्टेप का वीडियो शूट किया हुआ है उसको दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरा सेकंड स्टेप वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आप इस वाले वीडियो का भी ऑडियो का आपको यहां पर म्यूट कर लेनी होगी। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहां पर स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसको भी आप यहाँ पर 0.5 पे आप ले आइएगा। लाने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह से आप इस जगह पर आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा जहाँ पर फ्लाइंग पेपर का जो ब्लू स्क्रीन वाला वीडियो है उसको देके रखा है। आपको उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आपको मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन कर लेना होगा और यहाँ से आपको जो ब्लू स्क्रीन वाला वीडियो डाउनलोड किए थे उसको आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको राइट साइड में यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको ब्लू की कलर में ब्लू कलर सिलेक्शन कर लेना होगा। देन आपको यहाँ से ओके करके इनेबल पे क्लिक कर दीजिएगा और कुछ इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा बहुत आप इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा। एडजस्ट कर देने के बाद दोस्तों अभी आपको अपने दोनों हाथों की फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा। जूम कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो पेपर है उसको कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पे अपने हाथों के ऊपर इस तरह से इस जगह पे आप लाइएगा। लाने के बाद दोस्तों अभी आपको की में क्लिक करना है और थोड़ा स्लाइड की जगह इतना दूर आके दोस्तों आपका जो पेपर है उसको कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बड़ा कर लीजिएगा इस साइड में। आने के बाद फिर से गाइस आपको थोड़ा स्लाइड करना है, प्लस के मार्क में क्लिक करना होगा और पेपर जो है दोस्तों उसको हल्का हल्का बड़ा करते हुए चले जाना होगा। देख सकते हैं आप मैं जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से ये जो पेपर है दोस्तों आपको यहाँ पे एडजस्ट करते हुए चले जाना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर है उसको मैंने कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इस जगह पे आपको रहना होगा। रह लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर में क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपको चौथे नंबर पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इसमें क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पर गाइस आपको टाइप करके लिखना होगा लिव यू बोल के। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख लिया है लिव यू। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर लेना होगा। ओके कर लेने के बाद आप इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से बड़ा कीजिएगा।
बड़ा कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो व्हाइट दिख रहा होगा आपको इसमें क्लिक कर लेना होगा, और यहाँ पर दोस्तों आप ब्लैक कलर का सिलेक्शन कीजिएगा, देन आपको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद आपको इस वाले ए में क्लिक करना है, और यहाँ पर आप इस वाले फॉन्ट को आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे इन एनिमेशन में क्लिक करके कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो यहाँ पर दिख रहा होगा वाइप राइट का, आपको इसमें क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो शेडो का PNG डाउनलोड किए थे उसको दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करना होगा, और इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा, और इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो के एंड तक कर देना होगा। कर देने के बाद दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो सुहैल भाई का वीडियो डाउनलोड किए थे उसको दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी, और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर एक देख पा रहे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक कर देना होगा, देन आपको यहाँ से ओके कर लेना है। लीजिए दोस्तों इस वीडियो का जो ऑडियो यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस मैं फाइनली यहाँ पर एक बार ऑडियो को म्यूट करता हूँ और वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा, नहीं तो यार कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो तुम्हारे भाई के यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस प्रकार का दोस्तों वीडियो आप बना सकते हो। अब आपको इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बस अपना फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो का जो लाइक का टारगेट है उसको आप पूरा कर दीजिएगा। बाकी यार चैनल पे अगर आप नहीं हो तो मुझे पता आपने सब्सक्राइब कर दिया है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।